स्टार्टेड। गवर्नमेंट ऑर्डर जीओ नंबर 610। द चीफ मिनिस्टर एन टी रामा राव इशू जीओ नंबर 610 इन डिसंबर 1985 एंड स्टार्टेड दैट इट विल बी ब्रॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 1986। देखिए, द गवर्नमेंट ऑर्डर दैट इज जियो, जियो इज द गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 62610। द चीफ मिनिस्टर एन टी रामाराव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कांग्रेस वॉज गॉन, कांग्रेस चले गई थी जब, और देर इज अ नई पार्टी आई थी तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। और तेलुगु देशम पार्टी का सबसे द फाउंडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी, द फाउंडर ऑफ The founder of Telugu Desam Party, N.T. Rama Rao, ठीक है। Now इसके बाद में then the Chandrababu Naidu became the second chief minister, ठीक है, after N.T. Rama Rao. So N.T. Rama Rao issued GO number 6210, 610 sorry, issued GO number 610 in December 1985, stating that it will bring into effect from 31st March 1986. The main points of the GO are, so kab aaya hai GO? GO number 610 kab aaya? Ye aapko important hai. Government order jo hai, government order kab aaya? 610? 1985. Aur with effect from, maine kab se lagu hota hai ye? 31st March. 31st March 1986, next year, ठीक है, समझ आ गया? Yes or no? Yes. तो किसके टाइम पे आया है जीओ नंबर 610? एनटी रामा राव। तो कौन सी पार्टी है? तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। Now उसके 13 points है, let us go through the 13 points. The first point, can you read the first point please? If in zone 6th, the local cadre appointment to job we were violated. Now, if in zones 5, the Telangana, the Andhra Pradesh was divided into various zones, zone 1, zone 2, zone 3, means east, west, नॉर्थ साउथ सेंट्रल बोलते। तो जब इन जियो में पहला ऑर्डर ये था कि जियो का फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर इफ इन जोन्स 5 एंड 6 द लोकल अपॉइंटमेंट्स टू द जॉब्स वर वायलेटेड माने रूल्स को अगर तोड़ना, वायलेशन माने रूल्स तोड़ना, ठीक है। वायलेशन माने क्या है, व्हाट इज द वायलेशन? वायलेशन मीन्स Rules तोड़ना. It should be checked from 18th October 1975 presidential order. Last class में मैं आपको समझाया था कि जब the retrospective effect बोल, आज law pass करके पीछे से आप apply करना, ठीक है? Retrospective effect. क्या है retrospective effect? क्या बताया था? आज लॉ जो पास करे, जो पीछे का हुआ है उसको भी अप्लाई करना। ये जियो कब आया? 1986 से लागू है। तो अब 1986 में पास करके, ऑर्डर पास करके बोल रहे 1975 से चेक करो बोल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव। क्लियर है? क्लियर है सबको ये? तो पहला पॉइंट क्या बताया? द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन द जीओ नंबर 610 वाज के इफ इन जोन 5 एंड 6 अगर कोई भी जॉब्स वायलेट हुए, जॉब के रूल्स वायलेट करके लोगों को दिए, तो कब से चेक होना? इट हैज टू बी चेक फ्रॉम 18th अक्टूबर
1975 presidential order, ठीक है, and non-local employees to be sent back to their zones by 31st March 1986. इसका मतलब क्या है? जीओ नंबर 610 का मतलब क्या है कि अगर जोन 5 और 6 में लोकल कार्डर में जो तेलंगाना जॉब्स था, जो तेलंगाना के लोगों के लिए रिजर्व था, वो जॉब्स को अगर आंध्रा के लोगों को दे दिए तो कितने कौन से टाइम से पहले चले आना वालों को, कौन से टाइम से पहले चले आना, कौन से टाइम से पहले भेजा देना वालों को, 31st March 1986 से पहले भेजा देना वालों को, अगर तेलंगाना वालों के जॉब्स को आंध्रा वालों पे अपॉइंट करे हुए, ठीक है, समझ में आ रहा? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, क्या समझ में आया फर्स्ट पॉइंट से सीधा? यस सर, पहला पॉइंट से क्या समझ में आया आपको? पहले पॉइंट से जॉब के लिए अगर जोन 5 एंड जोन 6 तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश होता है इनका डिफरेंट जोन्स में बढ़ गए थे, डिफरेंट हिस्सों में बांट दिए थे, ठीक है, अगर जोन 5 और जोन 6 स्पेशल जोन 5 जोन 6 तेलंगाना में आता था, अगर जोन 5 जोन 6 में जिसको तेलंगाना के जॉब्स आंध्र वाले ऑक्यूपाई कर लिए और तो उन लोगों को अपने जोन में भिजा देना, दैट इज 35 किससे कौन सी डेट से पहले, 31st March 1986 से पहले, ठीक है, ओके जी सर, समझ गए, हां जी, जोन 5 एंड जोन 6 में बता रहा, सिर्फ जोन 5 एंड जोन 6, क्लियर है सबको, यस और नो? अच्छा, तो ये जोन 5 और जोन 6 कुछ अलग एरिया है सर? पूरा आंध्र प्रदेश जो था डिफरेंट जोन्स है, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन 5 जोन 6 बोल के डिफरेंट जोन में बटे हुए थे। अच्छा, ठीक है, ओके ठीक है, समझ गया। सेकंड पॉइंट, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और ये जो भी अपॉइंटमेंट्स होते थे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बोलते थे, ऑफिशियली जो भी अपॉइंटमेंट होते थे इस कौन से ऑर्डर से होते थे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही होते थे, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स अबाउट द जुराला श्रीसैलम लेफ्ट कैनाल एंड श्रीराम सागर टू इन्फॉर्म द नॉन लोकल्स अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एम्प्लॉइज विच फॉल अंडर द लोकल जोन्स शैल बी ट्रांसफर टू देयर नेटिव जोन्स आफ्टर 1st March 1983 इन द सेम वे एम्प्लॉइज ऑफ जोन्स 5 एंड 6 एम्प्लॉइज हुआ इन द अदर जोन्स हैड टू कम बैक टू देयर जोन्स वेर देयर वर नो वैकेंसीज मोर देन लिमिटेड नंबर्स शुड बी फिल्ड विद द प्रेजेंट वैकेंसी In order to make the orders to take effect from 1st March 1983 and for retrospective effect, retrospective क्या बताया था तुम्हें? पीछे से आना है आपको. The state government requested the government of India to amend the government of India order GSR 525 clause capital E dated 28 June 1985. ठीक है, समझ आ रहा? तो देखिए क्या बता रहा है ना, और एक चीज याद रखिए, व्हेनेवर वी से द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करता है हमेशा, व्हेनेवर वी से द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्लस उसके कैबिनेट के एडवाइस से। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर माने प्रेसिडेंट ऑर्डर तो ना प्रेसिडेंट के नाम पे इशू कर रहे, लेकिन डिसीजन कौन ले रहे? PM plus cabinet, याद रखिए। और when I say governor माने, when I say governor means PM plus cabinet, president माने PM plus cabinet, governor माने CM plus cabinet,
सीएम प्लस कैबिनेट। अभी देखिए, अब अगर इसको चेंज करना है तो ये क्या, कौन सी डेट का है, प्लीज नोट इट डाउन, कौन सी डेट का है ये? 28 जून 1985 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था। एक ऑर्डर आया था तो 28 जून 1985, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स था, चेंज करना पड़ता उस, ठीक है, क्लियर है ना? अभी पॉइंट देखिए, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स अबाउट द जुराला, माने जगह का नाम है ये, और श्रीसलम डैम है श्रीसलम का लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड कैनाल है और राइट साइड कैनाल है, ठीक है, और श्रीराम सागर टू, ठीक है, इन्फॉर्म द नॉन लोकल्स द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अबाउट द जुराला श्रीसैल कैनाल, ये जब बन रहे थे, ये जो डैम्स है वो टाइम में बन रहे थे, तो वो डैम्स बनाने के वास्ते आपको इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती, टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ती, yes, sir. तो उन लोगों पे जो अपॉइंटमेंट करे थे ना, उन लोगों पे जो अपॉइंटमेंट, क्या बोलते हैं, उन लोगों को जो आप काम करने के लिए जो रहता ना, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स अबाउट द जुराला श्रीसैलम लैब श्रीसैलम लेफ्ट कैनाल एंड श्री राम सागर टू इन्फॉर्म द नॉन लोकल्स, माने जो तेलंगाना में नहीं थे, जो आंध्रा वाले थे, अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एम्प्लॉइज shall fall under the local zones, transfer to the native zones after 1st March. अगर उन लोगों को ला भी लिए तो आप, आपको क्या है, उन लोगों के नेटिव जोन को आपको भिजा देना है, ठीक है, 1st March 1983 तक, क्लियर है ये? Yes, sir. 1983 तक, in the same way, employees in the 5th or 6th zones who were in other zones had to come back to their zones. माने अगर आप, अगर zone 5 का आदमी zone 3 में काम कर रहा या zone 6 का आदमी zone 2 में काम कर रहा, तो zone छोड़ दे के हम उसी से अपने zone local zones में आ जाना, ठीक है, समझ में आ रहा? अब एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, अगर वापस आ गए तो आ जाते, लेकिन जॉब सी नहीं रहे तो वो टाइम से, अगर वो टाइम पे लोकल जोन में जॉब नहीं है तो क्या करते? हैड टू कम बैक टू देयर जोन वेयर देयर आर नो वैकेंसीज, अगर वो नो वैकेंसीज अगर नहीं है, मोर देन अ लिमिटेड नंबर शुड बी फिल्ड विद प्रेजेंट वैकेंसीज, अगर वैकेंसीज नहीं है तो जो भी वैकेंसीज अवेलेबल है उससे फिलअप कर दो आप, ठीक है, और गवर्नमेंट ने हमेशा एवरी टाइम ऑल द वैकेंसीज फिल्डअप नहीं रहते, कुछ ना कुछ खाली रहते थे। इन ऑर्डर टू मेक टेक इफेक्ट फ्रॉम 1st March 1983, अब इसको रेट्रोस्पेक्टिव, ये आया कब, जो व्हेन डिड इट कम, 1985 में आया, दिसंबर 1985 में आया, ठीक है, 1985 में आया, कब से इफेक्ट है बोल रहा है, 1983 फर्स्ट मार्च 1986 31st मार्च 1980, कब से इफेक्टिव, पीछे जाके इफेक्ट कर रहा है ना इसको, पीछे जाके इफेक्ट, अभी आज तो भिजा दे रहे हो लोगों, लेकिन कब से इफेक्ट है बोल रहे हो, 1983 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो रहा है, क्लियर है पॉइंट? यस सर, 1983 से ये चलेगा बोल के दिखा रहे हो लोग, आज करके बोल रहे हैं, ये प्रोसेस ऐसा दिखाना कि 2 साल पहले से चल रहा था बोलिए, ठीक है, और ये करने के लिए कौन सा गवर्नमेंट ऑर्डर अमेंड करना पड़ता, चेंज करना पड़ता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर GS 525 कैपिटल ई डेटेड 28 जून 1985, ठीक है, सुन ना, दो पॉइंट, यस सर,
थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, स्पेलिंग मिस्टेक है इधर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1975 पैरा 4 स्टेटेड दैट इन ऑल जॉब अलॉटमेंट्स एंड अपील्स दे वर मेड टू द रिलेटेड ऑफिसर्स एंड स्टिल वाज नॉट सॉल्वड। माने कब से चल लेते आ रही है कहानी, मुल्की नॉन मुल्की, लोकल नॉन लोकल्स, ये बहुत पहले से चले जा रही, लोकल्स और नॉन लोकल्स बोल के। यस आई कैन, तो अभी ये अब उसके बाद में बताया कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1975 जो पैरा 4 में ये बताया कि अभी तक ये जितने भी परे हैं, जितने भी टेंशन आते हैं जॉब्स के, अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुए, ठीक है? अभी तक पहले से ही बहुत मुल्की नॉन मुल्की लोकल नॉन लोकल्स का इशू चल रहा था, अब ये नया ऑर्डर आप करने के वास्ते अभी ये फिजिबल नहीं है बोल के बता रहा है ना। were made to the related officers and still were not solved. The details given by the Telangana non-gazetted officers union about the violation and the total cases should be solved by 31st March 1986. So, 1975 में क्या बता दिया कि 1975 जो पैरा 4 के में जो भी जॉब अलॉटमेंट है अभी तक सॉल्व नहीं हुए, और जो भी सॉल्व नहीं हुए वो कितने कौन सी डेट से पहले रिजॉल्व कर लेना, 31st March 1986। क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस और नो? नेक्स्ट, उसका अर्थ बी पॉइंट क्या है? द वैकेंसीज क्रिएटेड बाय सॉल्विंग इश्यूज एज अबव शुड बी फिल्ड विद द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और जो भी वैकेंसी, जैसे आप जोन 5 जोन 6 बोल रहे हो, जो भी दूसरे जोन में काम कर रहे थे वो जोन्स में आ जाना, और जो भी नए जॉब्स फिलअप कर रहे जो वापस आ रहे वो कौन से मेथड के थ्रू फिलअप करना, दैट इज द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के मेथड के हिसाब से। माने अगर आपको किसको अपॉइंट देना है तो वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर कौन से बेस पे आना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेस पे आना। क्लियर है पॉइंट? समझ गए? ये सब ना जो भी आप एडजस्टमेंट कर रहे जॉब्स का वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेस पे ही आना, ठीक है? आगे बढ़ूं, रीड द फोर्थ पॉइंट। यस और नो? यस सर। ओके, द फोर्थ पॉइंट, the local status of the first level gazetted officers post of some departments which are outside the presidential order should be considered. On this issue with regard to presidential order and to amend it there should be a discussion with the central government. ab dekhiye, ab jobs ki aap aasan hai ki bhai udhar se idhar kar do, idhar se udhar kar do, lekin jab barik mein ja rahe जब आप बहुत बारीकी में जाते तो क्या होता, उसमें फर्स्ट लेवल गजेटेड ऑफिसर आ जाते, सेकंड लेवल गजेटेड ऑफिसर आ जाते, फिर उसमें टेक्निकल आ जाते, नॉन टेक्निकल आ जाते, इंजीनियर्स आ जाते, तो अब एक एक बारीकी से देख रहे आप। अब इसमें पहला क्या दिखा रहा, फर्स्ट लेवल गजेटेड ऑफिसर्स इन द लोकल स्टेटस ऑफ फर्स्ट लेवल गजेटेड ऑफिसर्स पोस्ट ऑफ सम डिपार्टमेंट्स विच आर आउटसाइड द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, थोड़े थोड़े जॉब्स को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू निकालना रहता था, और थोड़े जॉब्स को नॉर्मल आप नॉर्मल गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दे सकती थी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, फर्स्ट लेवल गजेट ऑफिसर को कंसीडर करना बता रहे जो प्रेसिडेंशियल के थ्रू नहीं थे। ऑन दिस इशू अगर अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अंदर लाना है जो फर्स्ट लेवल गजेटेड ऑफिसर को अंदर लाना है प्रेसिडेंशियल के, तो प्रेसिडेंशियल माने किसका बताया हमें, प्रेसिडेंट माने पीएम प्लस कैबिनेट ऑर्डर, पीएम प्लस कैबिनेट। ठीक है, तो किससे डिस्कशन करना पड़ता प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अगर खुद भी चेंजेस करना रहा, तो पीएम एंड कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे डिस्कशन करना पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलो मूव टू द फिफ्थ पॉइंट। ओके, सो देखिए,
along with the presidential order related GSR number 526 capital E was issued on 18th October 1975. खाली presidential order माने सिर्फ एक paper नहीं रहता, उसके पीछे 10 document आने थे। वह document का नाम है GSR number 526 capital E, ठीक है? Which declared that the institutions and establishments and the post in all they should be filled and candidates should be appointed from different local cadres on equitable share. So क्या बता रहा है इसमें? Along with the presidential order, जो ही presidential order आया था 1975 का, उसके साथ एक paper और एक जुड़े हुआ था, क्या नाम था paper का नाम? GSR number 526 capital E. कब इशू हुआ था ये? 18th अक्टूबर 1975 को। तो इसमें ये बता रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस रहने थे, जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स रहने थे, कंपनियां, तो उसमें अगर कैंडिडेट्स को पोस्ट फिलअप करना है तो लोकल काडर के बेस पे करना। इक्विटेबल, इक्विटेबल शेयर माने, इक्विटेबल शेयर माने अगर 10 जने रहे तो जिसको जितनी जितनी ज्यादा जरूरत है उसके हिसाब से आपको पोस्टल लेना है, ठीक है? अगर एक एरिया में 10 लोगों की जरूरत है तो आप ले ले रहे 20 लोग, एक लोगों में 10 लोगों की जरूरत है तो एक एक जोन में ले रहे 5 लोग, ऐसा नहीं चलता। अगर 10 की जरूरत है तो 10 लेना, 5 की जरूरत है तो 5 लेना, उसको बोलते हैं इक्विटेबल शेयर, ठीक है? समझ में आ रहा पॉइंट ये? तो क्या था ये जीएसआर नंबर, व्हाट इज दिस जीएसआर नंबर 526 कैपिटल ई, 526 ई, और कब इशू हुआ था ये? 18th अक्टूबर 1975 को इशू हुआ था, करेगा? क्लियर है पांच पॉइंट? यस सर, क्लियर है। ओके, तो गेट टू द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या बता रहा? ट्रांसफर्स विथ रिगार्ड टू इंटर लोकल कार्डर, इंटर लोकल, इंटर इंटर माने जोन 1 टू जोन 3, जोन 4 टू जोन 5, इंटर। तो आप क्या बोलते हैं, टेंथ के बाद क्या करते? इंटर, इंटर, इंटर के बाद क्या करते? डिग्री, डिग्री। तो इंटर क्या है? दो चीजों के बीच में, ठीक है? दो दो प्रोसेसेस के बीच में, आप क्या बोलते हैं, टेंथ के बाद इंटर या डिग्री से पहले इंटर। तो इंटर लोकल कार्डर पैरा नंबर ऑर्डर पैरा 5 क्लॉज टू अरेंजमेंट मस्ट बी एनफोर्स्ड, माने कुछ एक रूल दिए हुए थे कि भाई आप अगर इंटर करना चाह रहे 5 टू 6 और 6 टू 7 में लोकल कार्डर में, कार्डर माने एक ग्रुप को बोल रहा, ठीक है? अब क्या बोलते हैं, अब हैदराबाद में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी तेलंगाना में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक कार्डर रहता, हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट है तो हैदराबाद कार्डर, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, रंगारेड्डी का कार्डर, ठीक है? इट इज अ ग्रुप, कुछ भी नहीं, ऑफिशियल्स एक जगह जमा कर दिए तो उसको बोलते कार्डर, ठीक है? समझ में आ रहा? सो ऑर्डर नंबर, ऑर्डर पैरा 5 क्लॉज 2 में जो दिया है वो एनफोर्स करना रहता, ठीक है? दोस ट्रांसफर शुड बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इन अनअवेलेबल सिचुएशंस। तो अगर आपको इंटर कार्डर आपको रिप्लेस करना है तो जब ही कर सकते आप जब वो अनअवेलेबल रहा, अब वो करना जरूरी है ना, तो काम नहीं चलता, तो आप जब ही कर सकते, अननेसेसरी नहीं करना ट्रांसफर। समझ में आ रहा? क्लियर है सिक्स पॉइंट? यस सर। और ये आ, और ये अनअवेलेबल सिचुएशंस का कौन से क्या है पैरा नंबर, जिससे 5 क्लॉज 2, ठीक है? नेक्स्ट सेवेंथ थ्योरी, वॉट एवर इश्यूज केम टू द नोटिस विथ रिगार्ड टू बोगस रजिस्ट्रेशन एट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस देर मस्ट बी सीरियस एक्शन ओवर दोज केसेस। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू मेड एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाए थे आप लोग का? पिज़ा आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाए? नहीं सर। याद है कुछ, किसी का है एम्प्लॉयमेंट कार्ड? यस सर। तो आप पहले देते थे शायद, एक पेपर रखे हुआ है मेरे पास, पहले जाके एम्प्लॉयमेंट कार्ड, जैसा आप डिग्री टेंथ होता ना उससे मैंने वाले साहब भिजाए थे टेंथ होते ही,
जाओ एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन करा के आओ। कहाँ है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस? हैदराबाद में। मां साहब टैंक नामपल्ली से अंदर जाना पड़ता है। ये तो मां साहब टैंक से पहले अंदर गली में, पहले वाले सब भेजा थे मेरे को, पहले टेंथ के बाद भेजा है, फिर इंटर के बाद भेजा है, फिर इंजीनियरिंग के बाद भेजा है, इन द पॉलिटेक्निक रोड। तो रजिस्ट्रेशन कराओ बोल के, आज तो एकदम पूरा ऑनलाइन हो गया, टीएसपीएससी आ गया, अब सब बंद हो गया वो। लेकिन जब वो टाइम पे क्या बहुत ज्यादा धांधलिया होते थे, बहुत सारे क्या है गलत गलत डिटेल दिखा के जॉब्स ले लेते थे उन लोग, ठीक है। So whatever the issues with notice with regard to bogus, bogus माने false, झूठा, झूठ, bogus means what is bogus? झूठ, झूठ माने गलत गलत तलत दिखा के पैसे खिला के जो करा लेते थे रजिस्ट्रेशन और उन लोगों को जॉब्स मिल जाते थे, ठीक है। bogus means false, गलत, wrong registrations at employment exchanges must be dealt with serious एक्शन, ठीक है। ये सर ना समझ में आ गया, ये 7 पॉइंट। यस सर। 8 पॉइंट पढ़ेंगे। इन जोन 5 एंड 6 विथ रिगार्ड टू रेगुलराइजेशन ऑफ विलेज असिस्टेंट। अब ये देखो अपने पास विलेज असिस्टेंट्स माने जब एमआर ऑफिस में आपको ये पोस्ट आ देते थे विलेज असिस्टेंट बोल के, वॉट एवर अपील्स दैट वेर मेड बाय द यूनियंस ऑफ तेलंगाना एम्प्लॉयज must be taken to the notice of APPSC, Andhra Pradesh Public Service Commission. If wrong allotments were done, measures to be to rectify them. जैसा आप ये VRO, VRA रहते थे, exams दिए आप लोगों? Have you given this any exams? क्या idea है आप लोगों को? Village Revenue Officers, Village Revenue Assistants, कल exam होते थे? Yes sir, होते। So APPSC जैसा TSPSC है, वही टाइम पे क्या रहता था एपीपीएससी, अब आंध्र प्रदेश में चल रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा। तो इन जोन 5 एंड 6 विद रिगार्ड टू रेगुलराइजेशन ऑफ विलेज असिस्टेंट्स व्हाट एवर अपील्स दैट वेर जोन्स माने तो पहले क्या है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में गलत तरीके से करा लिए और उसके बाद में अगर कुछ कुछ ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दिया या धोखे से जॉब लिया बोले तो वो एपीपीएससी के नोटिस में लाना, तो जब उसके बाद कार्रवाई होती थी, ठीक है। समझ में आ गया। दिस वाज पॉइंट 8 ऑफ जीओ नंबर 610। नाइन्थ पॉइंट देखिए, इफ देर आर वैकेंसीज इन द लोकल कार्डर पॉइंट, इफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द सेम जोन एम्प्लॉइज वर इन द अदर जोन्स, द एपीपीएससी मस्ट ट्राई टू ब्रिंग द लोकल कार्डर एम्प्लॉइज टू देयर ओन जोन्स। ये क्या बता रहा है इसमें, इफ देर आर वैकेंसीज इन लोकल कार्डर पॉइंट्स, इफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द सेम जोन एम्प्लॉइज वर इन अदर जोन्स। अब क्या है इसमें, आप सब पूरा क्या है कि पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल रहे हैं, आपके पास कितने वैकेंसीज है, कौन से जोन में कितने वैकेंसीज है, अपने जोन के कोई दूसरी जगह काम कर रहे क्या। अगर ऐसा मालूम हुआ कि आपके पास आपका जोन फॉर एग्जाम्पल है 1, आपके पास वैकेंसीज है 100 और फिल अप कितने वैकेंसीज है, 70 वैकेंसीज फिल है, तो कितने खाली हो जाते। अगर आपका जोन है 1, जोन 1 है, ठीक है, आपका जोन 1 है उसमें पूरे वैकेंसीज है 100 और कितने फील्ड है 70, तो कितने वैकेंसीज बचे उसमें, 30 बचे। तो इसके बाद क्या करते हैं, अगर वैकेंसीज है तो ये चेक करते हैं क्या अपने जोन के जोन 1 के आदमियां कोई जोन 2-3 में काम कर रहे होंगे, अगर ऐसा कोई दूसरे जोन में काम कर रहे तो उन लोगों को पकड़ के लाके जोन 1 में जॉब देना, ठीक है। और ये 30 वैकेंसीज कौन में आ रहा पॉइंट, ये 9 पॉइंट, और ये कौन करेगा, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। तो किसकी जिम्मेदारी है, जोन चेक करके कुछ वैकेंसी है क्या और दूसरे वैकेंसी से चेक करने की, एपीपीएससी की जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 10 पढ़िए, इन जोन 5 एंड 6 इफ एनी नॉन लोकल इज ट्रेन्ड एंड अपॉइंटेड द तेलंगाना
द टी एन जी ओ तेलंगाना नॉन गजेटेड ऑफिसर्स यूनियन मस्ट ब्रिंग दो डिटेल्स टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट एंड मस्ट सबमिट द सेम इन प्लेस ऑफ नॉन लोकल्स द लोकल शुड बी अपॉइंटेड एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट. तो जोन फाइव एंड सिक्स में ये बता रहा कि अगर कोई भी नॉन लोकल है जो तेलंगाना से बिलोंग नहीं करता और उसकी जगह पे कोई दूसरा नॉन लोकल ट्रेन होके अपॉइंटमेंट भी हो गया तो ये लोग है बोल के किसकी जिम्मेदारी है बताने की. तेलंगाना नॉन गजेटेड ऑफिसर क्या करना है, सर्वे करना पड़ता है. सर्वे करके ये लोग लोकल है नॉन लोकल है, अगर कोई भी अगर आपको ऐसा मालूम हुआ कि नॉन लोकल है जिसको ट्रेनिंग में मिली और अपॉइंटमेंट भी हो गया तो गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं नोटिस में लाना. तो गवर्नमेंट क्या करती, वो नॉन लोकल को हटाती, लोकल को लाती, उसको ट्रेनिंग भी करती और जॉब पे भी रखती. समझ में आ रहा पॉइंट 10. और ये नोटिस में लाने की जिम्मेदारी किसकी है, TNGO तेलंगाना नॉन गजेटेड ऑफिसर्स. तेलंगाना नॉन गजेटेड ऑफिसर्स, ठीक है, समझ में आ गया. कम टू द सर, इम्प्लीमेंट हुआ सर? इम्प्लीमेंट हुआ ना, इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन देखिए शुरू में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं जोश जोश में काम करते. अब जैसा पुराना पड़ता ना, अभी लोगों क्या होता है, इन लोग एजिटेशन करने में नंबर वन थे आंध्र वाले. शुरू में लोग आने नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलते रहते. जैसा काम स्टार्ट होता ना फटी मार देते, एजिटेशन स्टार्ट कर देते थे, काम ही नहीं करते थे, होना बोल के ये वो बोल के पूरा काम रुक ही जाता था. तो उसको पोस्टपोन करते करते शुरू में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट होता था जोश जोश में. उसके बाद में लोग क्या है, पूरी मेजोरिटी लोगों की थी ना, क्या करे, बस कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं हुई. प्रॉब्लम वो है, स्टार्ट तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स बहुत लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द मुल्की रूल्स अब जियो 6-10 तक. शुरू में बहुत चीजें हुए बट वी कैन से ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या, समझ में आ गया पॉइंट? यस सर. 11th पॉइंट, लेट अस रीड द 11th पॉइंट. व्हाटएवर द अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस व्हिच वर डन अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द सेक्रेटेरियल ब्रांचेस बाय 30th June 1986. जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से जो भी अपॉइंटमेंट कराना बोल के जो ऑर्डर निकला था वो कितने दिन से पहले खत्म हो जाना, कब खत्म हो जाना, 30th June 1986. As assistant, जो भी 1st November 1956 को appoint हुए थे as after 1st November 1956 as assistant engineers at present deputy executive engineer. देखिए पहला सबसे पहला जॉब को क्या मिलता है, असिस्टेंट इंजीनियर का मिलता. अपन कौन से साल में बात कर रहे हैं प्रेजेंट, अब 1985 में बात कर रहे हैं अपन बैठ के, 1985-86 में बात कर रहे हैं, तो कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 56 76 76 76 86, 30 साल की बात कर रहे हैं अपन. यस, तो 30 साल की सर्विस हो गई आदमी की, जो भी अपॉइंट हुआ था वो टाइम पे. वो 30 साल के बाद क्या बन जाता है, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो कम से कम बनेगा प्रमोशन होते होते होते
यस सर। और बाय द सर्विस रूल एक्ट 1956 the related general gradation list had to be finalized and for that action must be taken. So जो भी appointments हुए थे उन लोगों का एक लिस्ट बनाओ और अपॉइंटमेंट लेना है उसका, ठीक है? उनकी लिस्ट बनाइए और क्या बोलते हैं और उसपे एक एक्शन लेना, ठीक है? समझ में आ रहा? Yes sir. Okay. उसका B देखिए, junior engineers. अब जो असिस्टेंट इंजीनियर के अपॉइंट हुए थे क्या बन जाता है? डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते थे। और जो जूनियर इंजीनियर्स के जैसे अपॉइंट होते हैं ना असिस्टेंट इंजीनियर, कम से कम असिस्टेंट इंजीनियर्स तो आते। व्हाटएवर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड जनरल ग्रेडेशन, ग्रेडेशन माने सैलरी अपॉइंटमेंट को बोलते ग्रेडेशन सैलरी। इफ आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लास्ट वन पढ़े थे, if Andhra Pradesh Administrative Tribunal had abolished the general gradation list of junior engineers that was declared by the state government, mane kya tha ye, then the government should appeal to the Supreme Court. It is the Supreme Court that issue must be solved at early possible. Dekhiye ye log ka jo junior engineers jaisa appoint hue the, ye log kya karte the hamesha, एक आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोल के था वो टाइम पे, उसमें 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 जो भी अगर प्रॉब्लम रहा तो उसमें जाते थे लोग, ठीक? वो अगर लेकिन वो अगर अगर वो एबॉलिश हो गई, आंध्र प्रदेश ट्रिब्यूनल खत्म हो गया, तो ये लोग किधर जाना, कुछ भी चेंजेस कराना है तो उन लोगों के ग्रेडेशन लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच होना, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता वो फाइनल रहता, समझ गए? 12B जूनियर इंजीनियर्स लोग जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते थे डायरेक्ट गवर्नमेंट करने नहीं जाते थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए थे, बना दिए थे उन लोगों के वास्ते खास तौर पे। तो ये खास तौर पे आंध्रा वालों के वास्ते सर, नहीं तेलंगाना वाले भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते थे? वो नाम स्टेट तो आंध्र प्रदेश ही था ना। हाँ, मीन्स लोकल, यानी लोकल जाते थे यानी दोनों भी जा सकते थे, तो नाम तो वही था ना। अब आप तेलंगाना के लोग हैं तो भी आप आंध्र प्रदेश ट्रिब्यूनल ही बोलना पड़ता था। अगर वो चले गया, खत्म हो गया, तो आप किधर जाना पड़ता? सुप्रीम कोर्ट के जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता, ठीक है? लास्ट पॉइंट 13 पॉइंट, द रिलेटेड ब्रांच शुड बी चेक, द रिलेटेड ब्रांच शुड बी चेक द इशू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ नॉन लोकल टू द लोकल फंड्स, ऑडिट इंस्पेक्टर कार्डर नंबर जोन 26, ठीक है? कोई भी जॉब कर रहा गवर्नमेंट, उसको तो पैसा दे, सैलरी देना पड़ता, सैलरी देना पड़ता, नहीं देना पड़ता? तो उन लोगों के लिए फंड, अलग फंड बना के रखे थे, उन लोगों के लिए अलग फंड बना के रखे थे। क्या बोलते थे फंड का नाम? उसमें लोकल फंड बोलते थे, ठीक है? द रिलेटेड ब्रांच शुड बी चेक्ड ऑन द इशू ऑफ अलॉटमेंट, the related branch should be checked on the issue of allotments of non-local to the local funds, audit inspector cadre in zone 26, मानी ये funds किसको जा रहा, किसको payment हो रहा, वो सब क्या है, कौन check करता था? एक audit inspector रहता था,
एक ऑडिट इंस्पेक्टर रहता था जो एक एक फंड को एक जो फंड क्या है चेक करता था स्टार्टिंग फ्रॉम जोन 5 टू जोन 1 टू जोन 6। ओके ठीक है समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है क्लियर है? ये क्या था जियो नंबर 610 610 कब आया? दिसंबर 1985 में आया और इफेक्ट कब से रहता था उसका? 31st मार्च 1986। ये किसके पास भी आवाज है तो जरा उन्हें अपना माइक बंद कर दो ना, डिस्टर्ब हो रहा क्लास में। नादिया शायद। नादिया थोड़ी देर बंद कर दो आवाज आई तक आपके पास बंद हुई तक। ठीक है तो समझ में आ गया? यस सर। ओके 13 पॉइंट्स थे तो आई होप एक बार आप लोग रिवाइज करिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट्स है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिए आपको याद हो जाता है, एक एक पॉइंट पढ़ा दिया। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ सर।